सो हेलो एवरीवन, वेल्कम टू आवर चैनल, माई सेल्फ सौरभ। तो देखो, आज का ये वीडियो जैसे कि तुमको थंबनेल देख के तो समझ में आ ही गया है कि क्या चीज़ के ऊपर बनने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। मैं इतना मतलब इतना चैलेंज के साथ बता सकता हूँ कि 90% स्टूडेंट्स को इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं है। लोगों को नहीं पता रहता ये चीज़ कि कैसे जो है हम लोग इंटर्नशिप कर सकते हैं इंडियन रेलवेज के अंदर, ठीक है, और फ्री रहता है बहुत, और कितना पैसा, क्या सच में फ्री रहता है, क्या पैसा लगता है कुछ भी, या फिर हॉस्टल्स फैसिलिटी दिया जाता है कि नहीं जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके तरफ से। ये करने के बाद क्या रेलवे के अंदर कोई जॉब मिलने का कोई श्योरिटी रहता है, या फिर कोई हेल्प मिलता है रेलवे के अंदर कुछ भी जॉब पाने का, या फिर ये इंटर्नशिप या फिर मतलब ट्रेनिंग लायक जो भी कॉलेज के अंदर होता है ना कि इंटर्नशिप करने बोलता है भैया हम लोग के कॉलेज से, तो वो हिसाब से ये काउंट होगा कि नहीं, तो पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में। अगर तुम डिप्लोमा, बीटेक, आईटीआई कोई भी कैंडिडेट हो, ठीक है, और मतलब टेक्निकल रिलेटेड बैकग्राउंड से जो है तुम बिलोंग करते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो, मुझे ऐसे 3-4 जगह से जो है इंडियन रेलवेज के अंदर ट्रेनिंग का अपॉर्चुनिटीज़ मिला था। CLW से भी मिला है, जैसे कि तुमको थंबनेल में दिखाई दे ही रहा था, CLW चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। तो CLW क्या है? CLW इंडियन रेलवेज के अंदर मतलब कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ये तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। मैक्सिमम लोकोमोटिव जो है CLW में ही बनता है, हम लोगों को पता है। अब देखो, ये CLW में कैसे जो है, तुम भी अगर ये चीज़ फॉलो करते हो, जो मैं स्टेप्स बताऊँगा अगर ये फॉलो करते हो, तो तुमको भी जो है ट्रेनिंग्स का अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, ठीक है। और ये एब्सोल्युटली फ्री है, कोई भी अमाउंट तुमको नहीं लगेगा, कुछ पैसा किसी को नहीं देना है, ठीक है। और प्रोसेस जो है बहुत इजी है, एक बार बस सुन लेना, ठीक है, कि क्या क्या जो भी चीज़ें बताऊंगा एक बार ये चीज़ को फॉलो करके देखो, तुम जो है तुम भी कर सकते हो ये ट्रेनिंग, ठीक है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि देखो, ये जो चीज़ें हैं, ये रेल कौशल विकास योजना नाम का एक योजना निकला था, जो कि नरेंद्र मोदी जी का जो बर्थडे था 2021 से स्टार्ट हुआ है। ये एक बार विंटर के टाइम पे होता है, एक समर के टाइम पे होता है, ठीक है। रहा बात की कैसे जो है तुमको अप्लाई करना है, तो पहले बात तो मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी न्यूज़पेपर आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, उसका भी वहाँ नोटिफिकेशन मिल जाता है, या फिर ये छोड़ के रेल कौशल विकास योजना का एक वेबसाइट है, तुम वहाँ पे रेगुलर जो है चेक कर सकते हो, अपडेट चेक कर सकते हो। मैं बता दे रहा हूँ कि देखो, एक विंटर के टाइम होता है, एक समर के टाइम पे होता है नोटिफिकेशन निकलता है, और एक ऐसा नहीं कि ये सिर्फ CLW से ही निकलता है, इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 30-40 ऐसे वर्कशॉप है जहाँ से ये ट्रेनिंग जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब रहा बात की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो पहली बात मैं बता दे रहा हूँ कि देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका है कि तुम्हारा 10th का जो मार्क्स है, ठीक है, तुम्हारा 10th का अगर परसेंटेज जो है वो अगर अच्छा खासा है, तो ये जगह में तुमको जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगा। अगर पकड़ लो कि 85-90 या फिर उसके भी ऊपर है, तो आराम से यहाँ पे तुमको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, ठीक है। एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस रहता है कि जो भी उन लोगों का एक नॉर्मली जो ऑफलाइन फॉर्म दिया जाता है, उन लोगों को वेबसाइट से तुमको मिल जाएगा, वो फॉर्म लेकर सबमिट करना है तुमको, कहाँ, बाय पोस्ट तुमको वो जो एड्रेस रहेगा वहाँ पे भेजना है, ठीक है। अब देखो, CLW के लिए अलग होता है, DLW के लिए अलग होता है, जैसे कि हावड़ा वर्कशॉप के लिए अलग होता है, ऐसे हर टाटानगर के लिए अलग होता है, और भी जहाज वाराणसी जो है वहाँ के लिए अलग होता है, तो ऐसे हर जगह पे अलग अलग है। और चाहो तो तुम जितना मन उतना अप्लाई कर सकते हो, अगर तुम्हारा मार्क्स जो है 10th का वो सही है, ठीक है, हर जगह में तुम चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, और अगर तुम्हारा मार्क्स अच्छा रहेगा तो कोई ना कोई जगह पे तो तुमको श्योर शॉट जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा ही मिलेगा। और अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाता है तो उसके बाद जो है कोई ऐसा नहीं कि इंटरव्यू होगा, कुछ होगा नहीं होगा, बाकी जो है डॉक्यूमेंट तुम्हारा चेक करेगा, तुम्हारा मेल आ जाएगा, कितना तारीख से जो है तुम्हारा ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। 3 वीक्स का टोटल ट्रेनिंग चलता है, टोटल 21 डेज का। अब देखो, ये करने का एडवांटेजेस क्या क्या है, एडवांटेजेस यही है कि तुम्हारा जो CV रहता है ना, वो CV बहुत ज़्यादा एनहांस होगा कि हाँ, ये लड़का या लड़की जो है रेलवे से ट्रेनिंग किया है, ठीक है, रेलवे से अपना इंटर्नशिप किया है। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर कितना है तो तुमको सबको पता है, ठीक है, बहुत अच्छे से पता है। हाँ, बात की तुम लोगों का जो इंटर्नशिप रहता है, मतलब कॉलेज तुम लोगों का सिलेबस में रहता है ना कि हाँ, एक इंटर्नशिप तुमको करना है, ट्रेनिंग करना है, तो वो यहाँ पे भी काउंट होगा, ठीक है। अब जो मेन क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कि भैया ये करने के बाद रेलवेज में कोई जॉब मिल सकता है, तो देखो ऐसा बात है नहीं, ठीक है। रेलवेज के तरफ से ये प्रोवाइड करने का पर्पस यही है कि तुम रेलवेज के अंदर क्या हो रहा है ये जान सको, उसको अच्छे से जो है एक्सप्लोर कर सको, ठीक है, यही पर्पस है। ऐसा नहीं कि ये करने से तुमको जॉब मिल जाएगा, बट हाँ, तुम कहीं पे भी प्राइवेट में या कहीं पे भी अगर अप्लाई करते हो ना, तो तुम्हारा CV अगर कोई देखता है तो ये देखने से तुम्हारा CV जो है बहुत ज़्यादा एनहांस होगा। मैं अगर सही से बताऊँ तो मेरा मोस्ट ऑफ द कैंपस प्लेसमेंट जो क्रैक हुआ है उसके पीछे ये सब का
जो मतलब रोल है बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये चीज़ को, ये चीज़ जो है अपडेट देखते रहना इन लोगों के वेबसाइट में, और अगर 10th का मार्क्स अच्छा है तो तुमको जो है श्योर शॉट इसका अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, आगे और भी मैं वीडियोज़ लाऊंगा जो कि स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।